दोस्तों, ये हमने एक बिना बैटरी से चलने वाला एक हमने फ़ैन बनाया है, तो किस तरीके से चलता है और कैसे बनाया गया है कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। उसमें आप लोगों को दिखाया गया है, देख सकते हैं बहुत ही स्पीड के साथ ये रोटेट कर रहा है। आप बच्चों के लिए घर पर इस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक पीवीसी छोटी सी यहाँ पर हमारे हाथ में पाइप है, तो इसमें हमने यहाँ पर एक होल कर रखा है। इसकी सहायता से हम बनाने वाले हैं एक फ़ैन जो कि बिना बैटरी से चलेगा। और एक यहाँ पर हमने लिया है इस तरीके से प्रोपेलर यानी फ़ैन पंखा, और एक यहाँ पर स्पोक्स यानी कि तीली हमने ली है। दो यहाँ पर हमने पेन के छोटे छोटे इस तरीके से टुकड़े लिए हैं, इनको शाफ्ट के रूप में यानी इनको बुश के रूप में हम उपयोग करेंगे, ठीक है। और दो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से बनाए हैं और इनकी सहायता से हम इनको यहाँ पर फिट करने वाले हैं। एक यहाँ पर हम हैंडल बनाने वाले हैं यानी इसकी सहायता से पुश पुल करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से हमारा छोटा सा एक मॉडल बनकर तैयार होता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर चिपका देंगे कुछ इस तरीके से बीच सेंटर में, ठीक है। यहाँ पर हमें इस तरीके से फिक्स करना है एकदम सेंटर में। अब ये सेंटर में चिपकेगा कैसे, हम ग्लू गन की सहायता से चिपकाएंगे, ठीक है। तो ग्लू गन जैसा कि आप लोग हाथ में देख रहे हैं, तो ग्लू गन की सहायता से यहाँ पर ग्लू लगा देंगे कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं सेंटर में हमने इसको चिपका दिया है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ये रहा हमारा इसका होल, ठीक है। और इस फैन में कुछ इस तरीके से इसको फिट करेंगे, इस फैन को इस तरीके से फिट कर लेंगे। तो देख सकते हैं लग चुका है, रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। एक बुश को हम यहाँ पर इस तरीके से डाल लेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद इसको हम यहाँ पर फिट करेंगे और ग्लू की सहायता से इसे हम सेंटर में रोक लेंगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इजीली ये रोटेट कर रहा है। पेन जो है बहुत ही काम का होता है, यानी आप जब तक काम का रहता है आप उसे यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद यूज एंड थ्रो वाले पेन को रख लीजिएगा, वो इस तरीके से बुश के रूप में काम करता है। ये साइकिल की स्पोक उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो जाती है। अगर नहीं फिट होती तो आप थोड़ा सा उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो देख सकते हैं इजीली रोटेट कर रहा है। अब हमें यहाँ पर एक धागा बांधना पड़ेगा। धागा कुछ आप इस तरीके से मोटा सा धागा लेंगे और एक यहाँ पर गांठ जो है लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा हम ग्लू लगा लेते हैं ताकि ये धागा यहाँ से फिसले ना। यहाँ पर जो होल है इसके अंदर से डालना है। अब धागा कुछ इस तरीके से इसमें डालेंगे। दोस्तों यहाँ से धागा हमने डाला था और यहाँ से हमने निकाल लिया है, तो धागे को इस तरीके से खींच लेना है। तो देख सकते हैं मैंने खींच लिया। अब इस प्रोपेलर को यहाँ पर डालना है और यहाँ से इसे निकाल लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर निकल आया है। अब इसको अंदर की तरफ यहाँ पर इस तरीके से फिट कर देंगे। धागा हमारा है उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरीके से राउंड कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा धागा निकला हुआ है, ठीक है। और एक यहाँ पर इस तरीके से लकड़ी का टुकड़ा हमने लिया था, इसमें इस तरीके से इसे बांध लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर इसे ग्लू की सहायता से हम चिपका देंगे। दोस्तों ये बुश बचा था लास्ट वाला, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये लास्ट में लग गया कुछ इस तरीके से। इसे भी हम ग्लू की सहायता से चिपकाते हैं। दोस्तों फ़ैन हमारा रेडी हो चुका है, तो दिखा देते हैं आप लोगों को किस तरीके से बना है। तो देख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से बन गया है। तो ये रहा, देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हैंडल के रूप में भी काम करेगा, इसे जब खींचेंगे तो ये घूमेगा और फिर इस तरीके से देख सकते हैं कितना गजब का फ़ैन काम कर रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये रोटेट कर रहा है, ठीक है।
वाओ, देख सकते हैं। दोस्तों हमारा फ़ैन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।